जय श्री राधे, जय श्री श्याम। डीवी भारती समाचार चैनल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। रोजाना की तरह दैनिक जन्म राशि फल में आइए तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लोग आज मेष राशि की। अघन कृष्ण पक्ष तिथि प्रतिपदा दिन बुधवार है। आज के लिए आपके लिए जो चंद्रमा है वही भी ठीक है। आज आप कोई भी काम करते हैं तो श्रेष्ठ उत्तम कार्य रहेगा। दूसरी राशि है वृक। वृक राशि वालों को आपको आज के दिन स्त्री पक्ष संतान पक्ष से सुख प्राप्त होगा। यदि आप अविवाहित हैं, विवाह नहीं हुआ, तो विवाह के योग या संकेत आज को दिन आपको बन सकते हैं। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि वालों को मानसिक तनाव बेचैनी कम हो सकती है एवं जमीनी द्रव्य या जमीनी संबंधित समस्या न पड़ सकती है। चौथी राशि कर्क। कर्क राशि वालों को आज आप व्यापार के सिलसिले में अन्यत्र जा सकते हैं। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को भाग्य का उदय होगा, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण जैसे योग भी बन सकते हैं। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को वाहन से सचेत सतर्क रहने की आवश्यकता है। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वालों को मानसिक तनाव बेचैनी हो सकती है किसी बात को लेकर एवं जमीनी संबंधित काम अटका हुआ सिद्ध संपन्न होगा। आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को आज आप संतान को करियर को लेकर, भविष्य को लेकर कोई व्यापार दुकान की स्थिति या कोई जमीन खरीद सकते हो। नवम राशि है धनु। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए एवं धनु के लग्न वाले व्यक्तियों के लिए आपको मशीनरी जैसे फैक्ट्री, कंक्रीट उद्योग आदियों का व्यापार करते हो तो श्रेष्ठ उत्तम रहेगा। दशम राशि मकर। मकर राशि वालों को मानसिक तनाव बेचैनी आज आपकी कम होगी और नया व्यापार शुरू कर सकते हो। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आपके ऊपर शनि साढ़े सात ही चल रही है। सरसों के तेल का दीपक लगा में पीपल वृक्ष के नीचे नीलम व्रत धारण करें तो श्रेष्ठ उत्तम रहेगा। बारहवीं राशि मीन। मीन राशि वालों को आपको आज के दिन भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण जैसे योग आपको आज के दिन बन रहे हैं। आप पुखराज नामक रत्न धारण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीतामरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।